प्रदेश के माफियाओं की नेस्तनाबूद की घोषणा पर पुलिस अधीक्षक द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मुखबिर की सूचना के आधार पर सौरभ श्रीवास्तव उर्फ अमन, भूपेंद्र प्रजापति, मृगेंद्र सिंह बरगाही, शारदा प्रसाद तिवारी एवं अनिल प्रजापति को गिरफ्तार कर कुल 330 नग नशीले इंजेक्शन जब्त कर उक्त आरोपियों के विरुद्ध कोतवाली में ड्रग कंट्रोल अधिनियम एवं NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। आरोपियों से पूछताछ करने पर इनके द्वारा नशीली ड्रग्स रीवा शहर स्थित विद्याभूषण मेडिकल स्टोर में दबिश देकर तलाशी लिए जाने पर मेडिकल स्टोर से 3200 नग एल्प्राजोलम टैबलेट, 90 नग पेंटाजोसिन इंजेक्शन, 200 नग एविल, 25 नग फेनार्गन, 864 नग स्पॉस ट्रांकेन, 1440 नग पिवॉन स्पॉस एवं 720 नग स्पॉसमोप्रोक्सीवॉन प्रतिबंधित नशीली दवाइयां जब्त करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। बता दें कि प्रतिबंधित दवाएं आरोपियों द्वारा बगैर किसी चिकित्सक की पर्ची के नशा करने के उद्देश्य पूर्ति के लिए ई गुना अधिक दामों में बेची जा रही थी, जिन्हें कोतवाली पुलिस द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि आरोपीगण पूरे रीवा शहडोल अंचल में नशे की टैबलेट व इंजेक्शन की लंबे समय में बड़े पैमाने पर सप्लाई कर रहे थे। पुलिस द्वारा मेडिकल स्टोर के संचालक हरि सिंह पिता चंद्रभूषण सिंह उम्र 62 साल निवासी गुड रोड रीवा एवं राजीव सिंह पिता राकेश सिंह उम्र 55 वर्ष निवासी गुड़ चौराहा रीवा के विरुद्ध ड्रग कंट्रोल अधिनियम एवं NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कब रीवा जाकर के दबिश दी थी, क्या मामला है? 29 जनवरी को हमने स्थानीय शहडोल में नशीले इंजेक्शनों की बिक्री करने वाले कुछ लोगों को पकड़ा था, 5 लोगों को। जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि शहर में उनको सप्लाई जो है वो विद्याभूषण मेडिकल रीवा से होती है। इसी सूचना पे थाना प्रभारी कोतवाली अपनी टीम के साथ में और जो आरोपी पकड़े गए थे उनको लेके जब वहाँ पहुँचे और फिर वहाँ पे पूरा ऑपरेशन में भारी संख्या में जो है वो दो आरोपियों के साथ में भारी संख्या में इंजेक्शंस और करीब 6000 के करीब टैबलेट्स लगभग बरामद हुई हैं और दोनों आरोपियों को फिर जो है आज गिरफ्तार करके और न्यायालय पेश किया। जनवरी को हमने स्थानीय शहडोल में नशीले इंजेक्शनों की बिक्री करने वाले कुछ लोगों को पकड़ा था, 5 लोगों को। जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि शहर में उनको सप्लाई जो है वो विद्याभूषण मेडिकल रीवा से होती है। इसी सूचना पे थाना प्रभारी कोतवाली अपनी टीम के साथ में और जो आरोपी पकड़े गए थे उनको लेके जब वहाँ पहुँचे और फिर वहाँ पे ऑपरेशन में भारी संख्या में जो है उनके साथ में भारी संख्या में इंजेक्शंस और